नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो है कि 100 के लगभग वाली संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जब दोनों संख्याएं 100 से कम हों, जैसे 92 × 93। अब इसमें देखेंगे ये 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो -8 लिख देंगे। ये 100 से कितना कम है, 7 कम है, और यहाँ पे हम 100 लिख लेंगे काल्पनिक, और यहाँ 0 0। अब इस साइड इन दोनों को ऐड करना है, -8 और -7 कितना हो गया, -15। और यहाँ पे जो लिखना है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, -8 × -7 56 आया। अब 100 में से -15 85 आया, और यहाँ पे इन दोनों का समेशन 56 है। ये 85 56 यही हमारा आंसर हो गया। ये अब आगे चलते हैं। जब दोनों संख्याएं 100 से अधिक हो, जैसे 104 है और 112, तो यहाँ पे काल्पनिक संख्या 100 लिख देते हैं पहले ही, और ये 4 बड़ा है 100 से, और ये 100 से 12 ज़्यादा है। अब फिर उसी तरह से +4 और +12 कितना आया, +16, यहाँ पे 116 आ गया, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया, 48, 0 0 ऊपर है। यहाँ 116 आया, यहाँ 48 आया, तो इसका आंसर क्या हो गया, 116 48। अब अगला है, जब पहली संख्या 100 से अधिक हो और दूसरी 100 से कम हो। यहाँ देखिए, जैसे 108 × 94, तो ये +8 ज़्यादा है और ये -6 कम है, तो फिर इसमें भी उसी तरह करेंगे। यहाँ 100 काल्पनिक लिख दिए, +8 और -6 कितना आया, +2, और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -48, यहाँ 0 0 है। यहाँ तो आ गया 102, लेकिन यहाँ पे 0 0 है, तो 0 0 में से ये माइनस नहीं होगा, तो हम यहाँ से 1 बारो ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 में से 48 गया 52, और यहाँ बचा 101, तो इसका आंसर हो जाएगा 101 52। इसका आंसर ये हुआ, इसका आंसर ये हुआ, इसका आंसर ये हुआ। तो दोस्तों, ये था 100 के लगभग वाली संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। इसके आगे मैं जो वीडियो डालूँगा उसमें बाकी की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, और ऐसे ही ट्रिक पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।